में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,666 मामले सामने आए। 1,65,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 71,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 बड़े शहर केंद्र सरकार के लिए बने चुनौती। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता और हैदराबाद। 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। पिछले 24 घंटे में कुल 1,024 नए केस। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 के पार। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 18,616 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 59,546 हुए। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,982 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,485 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 38 मौतें हुई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 1,135 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,675 हुई। धारावी में कोरोना से अब तक 61 लोगों की मौत। पुणे में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 236 नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,643 हुई। पुणे में कोरोना से अब तक हो चुकी है 303 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 2,095 हुई। 897 पुलिसकर्मी इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक 22 पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं। गोवा में कोरोना का एक और केस सामने आया है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 69 हुई। इलाज के बाद अब तक 38 मरीज हो चुके हैं ठीक। गोवा में अब तक किसी की मौत नहीं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,562 हुई। राज्य में कोरोना से 960 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं वायरस को मात। तमिलनाडु में 10,548 लोग कोरोना से ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 145 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 4,215 लोग ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,170 हुआ। राज्य में अब तक 197 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 180 लोगों की हुई मौत। 4,817 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार पहुंची। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजयन राघवन का बयान। देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर। अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल स्तर पर पहुंचने में मिल सकती है सफलता। डॉक्टर राघवन के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की चार प्रक्रिया है। भारत में चारों प्रक्रिया का इस्तेमाल कर वैक्सीन बनाने का काम जारी है। साल के अंत तक बना लिया जाएगा। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 24,13,000 से ज्यादा हुई। दुनिया में कुल 58,03,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक 3,59,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,01,000 के पार पहुंची। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,99,000 ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,00,000 से ज्यादा है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,166 लोग हो चुके हैं ठीक। देश में 2,70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले। ईरान में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 1,43,000 के पार पहुंची। 1,12,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक 7,627 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,79,000 के पार पहुंचा। 1,50,000 लोग ठीक हुए। अब तक 4,100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत।